तो यार आज मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा। अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट में अगर आप स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, अगर आप एज अ टीचर काम करते हो, एज अ ऑफिस में काम करते हो, कोई लोडेड फाइल पे काम करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या अगर आप नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए कर रहा हूं। एंड मैं आपको कह देना चाहता हूं, आज मैं आपको टॉप 5 लैपटॉप बताऊंगा, जो भी आप लेना चाहते हो सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सीधी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 पर यार मैंने रखी है MI नोटबुक 14 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको नंबर 5 पर रखने का एक रीजन है, वो ये रीजन देखने को मिलता है कि आपको 8GB रैम तो मिल जाती है लेकिन अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि सच में माइनस पॉइंट आ जाता है। अगर इसके मैं प्राइस रेंज की बात करूं, आपको 41,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाती है। इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। उसके साथ साथ भी अगर आप डाटा एंट्री करते हो, या अगर आपका काम कोई ऐसा आपको कीबोर्ड पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए ये बेस्ट डील हो सकती है। प्लस आपको फुल HD प्लस इसके साथ वेब कैमरा फ्री देखने को मिल जाता है। तो प्लस पॉइंट तो इस लैपटॉप के देखने को मिलता है, लेकिन माइनस पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर रैम को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता ना, तो यार 12GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता, तो इस लैपटॉप को मैं नंबर 2 पर या नंबर 1 पर ही रखता, बिकॉज लैपटॉप पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। अगर आपने इस पे गेमिंग वगैरह भी करनी है, आप कर सकते हो। इसके ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको दो देखने को मिलेंगे, आपको इंटेल UHD ग्राफिक भी देखने को मिल जाता है, आपको MX 3502 GB भी देखने को मिलता है, लेकिन 2GB का जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो आपको 47,000 के बजट में देखने को मिलता है। तो इस बजट रेंज में अपने प्राइस रेंज से वो बहुत आगे निकल जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन भी तो नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो भाई अगर आपने MI की ओर जाना है, आप जा सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप नहीं जा सकते। आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत तगड़ी मिल जाती है, डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत सही है, डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है, लेकिन मैंने आपको माइनस पॉइंट बता दिया, 8GB रैम मिल जाती है लेकिन अपग्रेड आप उसको नहीं कर सकते, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आप देख लेना, अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, को i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है, तो प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर आप डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफर करते हो वो बहुत जल्दी हो जाता है, एज कंपेरिजन किया जाए HDD के साथ, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको MX 350 भी मिल जाएगा 2GB के साथ, लेकिन उसका प्राइस आपके बजट से अपर चल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है लेटेस्ट वर्जन 64 बिट के साथ। बैटरी की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, प्लस आपको 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, आपको 41,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 के। वैसे यार लैपटॉप पूरा लोडेड है, लेकिन माइनस पॉइंट थोड़ा सा आ जाता है, सो दैट्स वाई इसको इस बजट रेंज में मैंने नंबर 5 पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। तो भाई अगर आपका काम कोई ऐसा है कि आपको 8GB रैम बहुत है, तो वो आपके लिए बहुत तगड़ा, आप जा सकते हो। मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पर यार मैंने रखी है HP 14 को। तो यार बहुत बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए। इस बजट रेंज में एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का कि HP का लैपटॉप बहुत तगड़ा होता है, डेल का लैपटॉप बहुत तगड़ा होता है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ASUS बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, Lenovo बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, एंड Acer बहुत ज़्यादा सही कर रहा है। वो कैसे सही कर रहा है आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ HP 14 की, तो यार ये लैपटॉप आपको मतलब ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत सूट करता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड भी करना चाहता हूँ, अगर आपने लेना है तो भाई ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा सूट लगा, आप उसकी ओर जा सकते हो। प्लस आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th जनरेशन के साथ, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, 8GB रैम भी मिल जाएगी, जिसको आप 16GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। तो यार अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, एज अ स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग करनी है, या अगर आपने डेली यूज़ के लिए इस लैपटॉप को लेना है, तो भाई आप ले सकते हो, ईजिली नॉर्मली आप काम कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली। यार आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th जनरेशन के साथ, वो भी सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। आप जा सकते हो HP 14 की। और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी मेन स्पेसिफिकेशन। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को i3 10th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा, आपको 11th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा, लेकिन 11th जनरेशन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो आपको 42,000 के बजट में या 43,000 के बजट में देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप i3 11th जनरेशन की ओर चल जाना, बिकॉज वो लेटेस्ट प्रोसेसर है, उसके ऊपर तो कोई प्रोसेसर ही नहीं अभी आ रहा, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, आप
अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। आपको 256GB मिल जाएगी, आपको 512GB भी मिल जाएगी, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अभी बात करते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में क्या देखने को मिलता है। तो यार जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है ना, उसका स्टोरेज अपना होता है, 2GB हो गया, 4GB हो गया, 6GB हो गया, 8GB हो गया। ठीक है, उसका लेना देना नहीं होता रैम के साथ। ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है ना, वो अपना जो स्टोरेज है वो लेता है रैम से। ठीक है, अगर आप मतलब आपको काम कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड को कोई ज़रूरत पड़ती है रैम की या सॉरी स्टोरेज की, तो वो रैम से ही लेगा, उसका कोई अपना स्टोरेज नहीं देखने को मिलता, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। डेडिकेटेड होते हैं जिसकी अपनी स्टोरेज होती है, लाइक 2GB, 4GB, 8GB, जितना भी मतलब होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 40,500 के बदले में HP 14 देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ भाई, अगर आप भी उन बंदों में से आते हैं जिनको HP या डेल का ही लैपटॉप चाहिए, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप HP 14 की ओर जा सकते हो। मैं आपको प्लस ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने लेना है HP का लैपटॉप ही लेना है, तो भाई आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप i3 11th जनरेशन की ओर चल जाना, अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे कर सकते हो। एंड ब्लैक कलर बहुत सही लगता है, अगर कोई भी बंदा ब्लैक कलर में ले रहा है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई मैंने ब्लैक कलर में लिया। एंड लिंक प्रोवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, या नंबर थ्री पर मैंने रखा है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा सही है। आपको 37,000 के बजट में लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ आपको लिनोवो बैग भी देखने को मिल जाता है, जो कि लिनोवो लैपटॉप बैग है, जिसके प्राइस की मैं बात करूँ आपको 2,000 के बजट रेंज में वो बैग देखने को मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लैपटॉप आपको 35,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। एंड स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, आपको i3 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ, उसके बाद आपको 8GB रैम मिल जाएगी, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 12GB तक, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, लाइट वेट लैपटॉप है, प्लस आपको MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i के, यार स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा तगड़ा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही है। एंड भाई जो बैग देखने को मिलता है ना, उसका प्राइस 2000 देखने को मिलेगा। अगर आप सर्च आउट करना चाहते हो आप दे सकते हो भाई, अमेजोन आपके फोन में भी है, फ्लिपकार्ट आपके फोन में भी, आप सर्च आउट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा 2000 के बजट में वो बैग देखने को मिलता है। तो यार इस लैपटॉप का बजट जो है वो 35,000 हो जाता है अगर हम उस बैग को निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखी ASUS ZenBook Ultra 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले आपको लाइट वेट एंड स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। प्लस ASUS एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 2020 मॉडल है, एंड इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, ये लैपटॉप आपको 41,000 या 42,000 के बजट में मिलेगा। बट भाई अगर आप इसको ले लेते हो, आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं, बिकॉज आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता। प्लस आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको स्लिम में स्टाइलिश डिज़ाइन तो मिल जाता है, प्लस ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है। जो भी कलर आपको सही लगता है भाई आप उसके और चले जाना, लेकिन मुझे ग्रे कलर में बहुत ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, प्लस आपको 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ, आपको 1 kg 800 ग्राम में ASUS VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाता है। मैं आपको जो मेन स्पेसिफिकेशन है थोड़े से बता देता हूँ, आपको डीपली थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, उनको 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, को 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। तो यार मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड और करना चाहता हूँ, अगर आपको 1TB HDD देखने को मिलते हैं ना यार, उसकी और बिल्कुल भी मत जाना। ऐसे मत देखना कि आपको 1TB स्टोरेज देखने को मिलती है यार, 1TB में अगर आपको डाटा वगैरह ट्रांसफर करते हो ना, बहुत पकने वाले हो यार, वो बहुत गंदी चीज़ है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने लेनी है तो भाई SSD आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, चाहे अगर आपने 256 ले ली ना,
वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आपने डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है, जो जल्दी कर देता है, इसका कंपेरिजन किया जाए HDD के साथ। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडोज 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ आपको 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बजट में या 42,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ ASUS VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको ASUS लैपटॉप की, अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करने से पहले भाई मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 40,000 से अपर नहीं जा सकता लेकिन अगर आप 1,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है ASUS ZenBook, जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, आप उसके और चल जाना। लेकिन अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप चल जाना Acer Inspire 5 की। और अगर इस लैपटॉप की बात करूँ यार, आपको i5 देखने को मिल जाएगा 10th जनरेशन के साथ, आपको 8GB रैम मिल जाती है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो, 16GB तक आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 2GB जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आपने एज अ स्टूडेंट यूज़ करना है, उसके बाद भाई अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, गेमिंग करना चाहते हो नॉर्मल सेटिंग पे, या अगर आपने 1080p पर वीडियो एडिटिंग करनी है, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड ये आपको 45,000 के बदले में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कई बार इसकी ऑफर वगैरह भी लगती रहती है और भी सस्ते में देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी इसकी ऑफर वगैरह नहीं देखने को मिलती, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिलता है जो कि 2GB के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है, 8 से कम ही करेगा भाई, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है 5 to 6 आवर्स का ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो फिर आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, उससे ज़्यादा भी कर देगा भाई, अगर आप ज़्यादा यूज़ ही नहीं करोगे तो बैटरी है वो ज़्यादा नहीं लगने वाली। ठीक है, सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है। ठीक है, प्राइस की बात करूँ आपको 45,000 के बजट में Acer Inspire 5 देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Acer Inspire 5 की, इसको इस बजट रेंज में नंबर 1 पर इसीलिए रखा भी, अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, आपको लैपटॉप बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, बहुत तगड़ा मिल जाता है। उसके बाद अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, स्टूडेंट ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप टीचर्स को पढ़ते हो पढ़ाते हो, आपके लिए भी ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। एंड अगर आपका बजट 40,000 है तो ASUS की ओर से जो लैपटॉप बताया वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है तो भाई Lenovo IdeaPad Slim 3i आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है, आपको 37,000 के बजट में मिल जाता है, जो कि सच में पैसा वसूल लैपटॉप है यार। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, जो भी आप लेना चाहते हो सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पर कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर देना। अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।